हाँ जी, तो दोस्तों मैं सोचा था ब्लॉग एंड करूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार फिर से थोड़ा सा और ब्लॉग देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट और बनेगा। तो अभी अपन लोग पहुँच चुके हैं मथुरा कैंट, सॉरी मथुरा जंक्शन। और मथुरा जंक्शन पे कम से कम आपको मैंने इससे पहले वाले में मतलब वीडियो में बता चुका हूँ, कम से कम 7-8 लाइन मिलती है। एक मतलब नई दिल्ली मेन लाइन बताऊँ तो नई दिल्ली में मुंबई और नई दिल्ली चेन्नई, ये तो मेन लाइन हो गई। उसके अलावा जयपुर हो गई, अलवर हो गई, और अपनी मतलब क्या कहते हैं गुना वाली भी लाइन शायद है, और 2-3 लाइन हो रहे हैं। मतलब टोटल मिला के 7-8 लाइन है दोस्तों। तो मतलब ये बहुत बड़ा जंक्शन कहलाता है लाइन के मामले में। और मैं आपको अब इसका फ्रंट का व्यू बता देता हूँ। सामने का व्यू देख लो दोस्तों, मथुरा जंक्शन। तो अब मथुरा को अपने को बाय बाय करने का टाइम आ गया दोस्तों। सिर्फ अपन अब टाटा बाय बाय करते हैं। और अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी नंबर बता दूँ, 12826 कर्नाटका एक्सप्रेस, जो कि चलती है नई दिल्ली से बेंगलोर के बीच में। और अपन इसे डिस्टेंस कवर करेंगे 600 के समथिंग होगा। हाँ, 600 के समथिंग होगा मथुरा से भोपाल के बीच। अपन बेंगलोर नहीं जा रहा, अपन अपने घर भोपाल जा रहा है दोस्तों। तो लेट्स सी, अभी गाड़ी बोल रहे हैं कि शायद आधा पौन घंटा लेट है या 1 घंटे के आसपास है। तो टाइमिंग तो 9:50 का। अब देखते गाड़ी कितने बजे तक आती है। तो जब तक प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार करते हैं। और अपना कोच नंबर है S2 में 46 और 50, ऐसा देखो दोस्तों क्या होता है। फिलहाल चलते प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे आपको फिर मिलता हूँ मैं। तो फ्रेंड, स्टेशन देख के तो ऐसा लग रहा है 90s के एरिया में आना है अपन लोग। पुराना सा सिस्टम दिख रहा है, हो सकता है उसने ओल्ड मथुरा जंक्शन वाले प्लेटफॉर्म पर सारा। और अपन मैं बताया ना आपको, मतलब यहाँ 7-8 लाइनें जाती हैं दोस्तों। तो हो सकता है अलवर वगैरह या ऐसे कोई से लाइन वाले स्टेशन पर उतारा। अपन लेट सी, अपन आगे जाके देखते। जी तो दोस्तों पहुंच चुके थे रेलवे स्टेशन, और गाड़ी मैंने देखा मतलब चार्ट पे तो बता रहा है 1:53 पर, मतलब कि समझ रहा है 2-2.5 घंटे के आसपास है। मेरे को लगा 40 मिनट है, यहाँ तो 2-2.5 घंटे के आसपास है। लेट सी देखो क्या होता है, या हो सकता है चार्ट गलत बता रहा हो। हालांकि नई दिल्ली से मथुरा का डिस्टेंस कवर कितना होगा यार, मुश्किल 150-100 किलोमीटर होगा, और 1.5 घंटा लगता होगा। यहाँ तो 2.5 घंटे लेट बता रहा है, तो देखो क्या होता है। कर्नाटका एक्सप्रेस काफ़ी लेट है, ऐसा मैंने अभी चेक करा पूरा। मतलब कि उसका टाइमिंग तो था वही अपना क्या कहते हैं 8 बजे समथिंग निकलना वहाँ से, बट ट्रेन इतना लेट हो गया कि 12:30 बजे नई दिल्ली से छूटेगा और 2 बजे मथुरा में आके मिलेगा। अब मैं आपको ट्रेन ब्लॉग में देता, लेकिन क्या रात के 2 बजे ब्लॉगिंग करना मतलब सही नहीं होता। तो इसी चक्कर में बस मैं आप लोगों को सब जब भी ट्रेन आता है मतलब 2 बजे, हालांकि 2 बजे के टाइम में तो देखते कब आता है, क्योंकि अब लेट रीशेड्यूल हो चुका है तो पता नहीं कब उसका शेड्यूल तैयार करें। तो जैसे ही ट्रेन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को सुबह ही बोलूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए आगे। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 2:43 और अपनी गाड़ी का आने का टाइम हो गया है 2:45 का था। पर जैसे ही आती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ बस, और फिर हम लोग जाते हैं सोने, और फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।
आ चुके हैं कर्नाटक एक्सप्रेस के वॉशरूम में, 5 क्लीन नहीं है। साबुन साबुन में नहीं है दोस्तों, और बेसन भी ख़राब है और नीचे का भी ख़राब है, और स्मेल तो फिर नहीं आ रहा लेकिन ठीक ठाक है। कपड़ा टांगने का भी है, नीचे डब्बा भी है, मतलब ठीक है, चलेगा। स्लीपर के साथ तो ठीक है। हाँ जी, तो दोस्तों आ चुके हैं भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और अपनी जर्नी अब दोस्तों यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी हो, बैक टू बैक जर्नी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो ऑल पे क्लिक करके मुझे मोटिवेट करते रहिए दोस्तों। अब मैं निकल रहा हूँ मेरे घर, और मिलूँगा आपको फिर कोई नए ऐसे ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।